कोरोना का उफान, बॉर्डर पर अलर्ट मोड पर प्रशासन, दिल्ली से उत्तराखंड आने जाने वालों पर सरकार की विशेष नजर। लफजात मामले में सीएम का बड़ा बयान, अंतर धार्मिक विवाह प्रोत्साहन संबंधी प्रेस नोट की होगी जांच। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर, महाकुंभ को लेकर हरिद्वार में मंथन, 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर करेंगे शिरकत, बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हजारों टन फूलों से सजाया गया शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर, पंचकेदार गद्दी स्थल में शीतकालीन यात्रा का आगाज। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी से बड़ी ठंड, चंपावत में हड्डियां गलाने वाली ठंड, 3 डिग्री पहुंचा जिले का तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां पर उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे देहरादून, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट, राज्यपाल के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर की शिष्टाचार भेंट, प्रदेश के विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे देहरादून, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट, डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर की शिष्टाचार भेंट, प्रदेश के विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देहरादून पहुंचे, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट। प्रदेश के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे देहरादून, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट, डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर की भेंट, प्रदेश के विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और डोईवाला से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने लिया जायजा। थानो वन रेंज में तलाई के पास बन रहे इको पार्क का जायजा लिया वन रेंज के अधिकारी। एनएल डोभाल की पहल पर बन रहा पार्क बच्चों से लेकर वर्जरों के लिए बनाया जा रहा है पार्क। डोईवाला से बड़ी खबर, सीएम त्रिवेंद्र के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने लिया जायजा। थानो वन क्षेत्र के तलाई के पास बन रहे पार्क का लिया जायजा वन रेंज के अधिकारी एनएल डोभाल की पहल पर बन रहा है पार्क बच्चों से लेकर वृद्धजनों के लिए बनाया जा रहा है पार्क। बड़ी खबर डोईवाला से, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने जायजा लिया। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर पत्थर गिरने से होटल का हिस्सा गिर गया। निर्माण कार्य के दौरान गिरे पत्थर, ऑल वेदर रोड निर्माण कंपनी का कच्छ
चल रहा था काम, बड़कोट तहसील के खरादी कस्बे का मामला। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर पत्थर गिरने से होटल का हिस्सा टूट गया, निर्माण कार्य के दौरान गिरे पत्थर। ऑल वेदर रोड निर्माण कंपनी का काम चल रहा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। बड़कोट तहसील के खरादी का ये मामला बताया जा रहा है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर पत्थर गिरने से होटल का हिस्सा टूट गया। बता दें कि निर्माण कार्य के दौरान गिरे पत्थर। ऑल वेदर रोड निर्माण कंपनी का काम चल रहा था और पत्थर गिरने से होटल का हिस्सा टूट गया। बड़कोट तहसील के खरादी कस्बे का मामला। निर्माण कार्य के दौरान गिरे पत्थर, बड़ी खबर आपको बता रही। ऑल वेदर रोड निर्माण कंपनी का चल रहा था काम। बड़कोट तहसील के खरादी कस्बे का मामला बताया जा रहा है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, पत्थर गिरने से होटल का हिस्सा टूटा, निर्माण कार्य के दौरान गिरे पत्थर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पत्थर गिरे, जिसकी वजह से होटल का हिस्सा टूट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिस्सा गिरता हुआ, निर्माण कार्य के दौरान गिरे पत्थर। निर्माण कार्य के दौरान गिरे पत्थर। रुद्रपुर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहाद की आड़ में सांप्रदायिकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार राज्य में किसी भी तरह का तनाव ना हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है। लव जिहाद की आड़ में आतंकवाद फैलाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी। लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार द्वारा धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया जा रहा है। इसमें ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो छल शम तरीके से शादी विवाह करते हैं। उन लोगों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टीडी के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किए गए लेटर पर भी कहा कि मुख्य सचिव को जाँच के आदेश दिए हैं। हमने ऐसे लोगों का जो छल छद्म तरीके से शादी विवाह करते हैं, अंतर जातीय विवाह करते हैं, अंतर धार्मिक विवाह करते हैं, उन पर हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं। अगर कोई इस तरह की कोई भी बात अगर कहीं पर आती है तो उस पर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। लव जिहाद की आड़ में कतई भी सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमेशा की तरह इस साल भी हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार भी भव्य पेशवाई और शाही यात्रा निकलेगी, बल्कि कुंभ मेला क्षेत्र में टेंट भी लगेंगे। साथ ही 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, साधु संत और श्रद्धालु शिरकत करेंगे। अखाड़ा परिषद की बैठक में कोरोना के कुंभ पर पड़ते असर का मुद्दा पूरी बैठक में छाया रहा। हालांकि 11 मार्च के पहले शाही स्नान से पूर्व एक बार फिर कोरोना की लहर को देख कर फैसला लिया जाएगा। मेले को स्वरूप कैसा हो?
तो ये निर्णय हो गया है, सरकार की तरफ से कहा गया था कि आप लोग टेंट नहीं लगाएंगे, लेकिन आम सहमति बनी कि टेंट भी लगेगा और जिस तरह 2010 का मेला हुआ उससे अच्छा मेला किया जाएगा। फरवरी या मार्च में ये निर्णय होगा, कोरोना का अगर ज्यादा बढ़ता है उस समय सब बैठ के निर्णय लेंगे, लेकिन अभी सारी तैयारी की जाएगी। खड़े के प्रतिनिधियों के साथ मेला अधिकारी रेखा जी हम सब लोग बैठे, बैठने के बाद जो प्रमुख मुद्दे सब पे चर्चा हुई, स्वरूप पे चर्चा हुई और कल फिर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे। तंबू लगेंगे? तंबू कहाँ प्रतिबंधित है? सरकार लगाएगी या अखाड़े खुद लगाएंगे? नहीं नहीं, वो अभी तय होगा, सरकार तो अभी नहीं लगाएगी, लेकिन अभी यह है कि तंबुओं पे प्रतिबंध नहीं है ऐसा। उत्तराखंड किसान कांग्रेस के लोगों ने अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ एक सुर मिलाते हुए कहा कि हरीश रावत जी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस में वापस आओ, बल्कि बागी विधायक हाईकमान दिल्ली दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगाए और हाईकमान से माफी मांगे। ये वही कांग्रेस के बागी विधायक है जिन्होंने हरीश रावत की सरकार को गिराकर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई। अब कांग्रेस में दो खेमे देखने को मिल रहे हैं, एक खेमा बागियों को वापस लाने की तैयारी कर रहा है तो दूसरा कांग्रेस का खेमा बागियों की नाराजगी को जनता से माफी मांगे और हाईकमान के दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगाए, तभी जाकर कांग्रेस की वापसी हो पाएगी। और उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य में दल बदल करवाने पर इस उत्तराखंड राज्य की जो अपमानना इन लोगों ने, इन 9-10 बागियों ने की है, 11 बागियों ने, इसके लिए वो उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे और हमारे हाईकमान के आगे लिखित रूप पर अपना माफीनामा प्रस्तुत करें, तब जाके यह कांग्रेस में आए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई जनता से तो इनको माफी मांगनी पड़ेगी और हाईकमान में माफी मांगनी पड़ेगी। रावत जी थोड़ी कह रहे हैं इनसे कि हम क्या नाम है मत आइए करके, आइए। रावत जी थोड़ी कह रहे हैं कि मुझसे माफी मांगो, रावत जी तो कह रहे हैं आप जनता से माफी मांगो, हाईकमान से माफी मांगो, मेरे से माफी मत मांगो आप। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर को हजारों टन फूलमालाओं से भव्य तरीके से सजाया गया। कल यहां द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली पहुंच रही है, जिसके बाद पंच केदारों के दर्शन यहां एक साथ किए जा सकते हैं। सजने के बाद मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। देखिए रिपोर्ट। ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ को पंच केदार शीतकालीन गद्दी स्थल के रूप में जाना जाता है। शीतकाल के 6 माह यहां भगवान केदारनाथ द्वितीय केदार मद्महेश्वर की डोलियां विराजमान रहती हैं। इसके अलावा यहां पर निरंतर तृतीय केदारनाथ, तुंगनाथ, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ और पंच केदार कल्पेश्वर की नृत्य पूजा अर्चना होती है। इस कारण ओंकारेश्वर मंदिर की मठ को पंच केदार शीतकालीन गद्दी स्थल के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष हजारों भक्त एक साथ पंच केदार के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचते हैं। भगवान केदारनाथ द्वितीय केदार मद्महेश्वर की डोली को हिमालय रवाना करते समय और हिमालय से डोलियों के मंदिर में आने पर हजारों की संख्या में यहाँ भक्त पहुँचते हैं। कल भगवान मद्महेश्वर जी की डोली अपने मद्महेश्वर धाम से ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में पहुंचने वाली है और इससे पूर्व हमारे द्वारा यहाँ पर देवस्थान बोर्ड के द्वारा मद्महेश्वर डोली के आगमन की जो आवश्यक तैयारियां होती हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और कल भगवान जी की डोली आगमन पर शीतकाल के लिए मद्महेश्वर जी की 6 माह यहाँ पर पूजा अर्चना होगी। विश्वख्यात भगवान तुंगनाथ ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल के 6 माह के लिए विराजमान हो गए हैं, जबकि कल द्वितीय केदार मद्महेश्वर भी शीतकाल के लिए यहाँ विराजमान हो जाएंगे। डोली आगमन को लेकर शीतकालीन गद्दी स्थल को हजारों टन गेंदों के फूलों से सजाया गया है। फूलों से सजने के बाद मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। स्थानीय भक्त पहले से ही यहाँ पहुंचकर मंदिरों को सजाने में लगे हैं।
ऋषि केदार मद महेश्वर की डोली ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचते ही शीतकालीन यात्रा का विधिवत आगाज हो जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी एनपी जमलोकी ने बताया कि मद महेश्वर भगवान की डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल में पहुंचते ही शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसको लेकर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। के न्यूज इंडिया के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिबरी की रिपोर्ट। डोईवाला विधानसभा के रामनगर डंडा में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पक्की सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया, जिससे लोगों में खुशी है, तो वही डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री सारे निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएं। स्पेशल असिस्टेंट केंद्रीय सहायता का मिला हमें लगभग देहरादून जिले के लिए 100 करोड़ मिला हुआ है, जिसमें से डोईवाला के लिए हमारे 14 मार्ग में 8 करोड़ का मिला हुआ है, जिसमें से लगभग हमें 40 किलोमीटर का कार्य होना है, बीसी 30 mm बीसी का कार्य होना है। इस पे मिल चुकी है, इसमें मिल गया 3 किलोमीटर मिल गया इसमें। तो कब तक उम्मीद करें सर कि काम, इसमें टेंडर प्रोसेस हमारा चल गया है इसमें, और 28 तारीख को टेंडर रिसीव किया जाना है। डोईवाला विधानसभा में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी खुशी है और वो सब शासन प्रशासन को धन्यवाद देकर आभार जता रहे हैं। आना जाना भी ऐसी है, रोड भी खराब है, परेशानी होती है। कितनी परेशानी होती है? पत्थर है रोड में, कोई गाड़ी पंचर हो रही, बहुत सी कठिनाई होती है। अच्छा, अब जब पक्की बन जाएगी तो कितना फायदा होगा? काफी फायदा होगा सर, हम रात को भी आ जा सकते हैं आराम से। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब की विधानसभा है, लगातार सड़कें बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आभार जो उनका, जो उन्होंने रोड के लिए बजट आया। सड़क बहुत पुरानी है, कई साल से बनी नहीं है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है इधर सड़क से जाने में, तो अब जब से सरकार इसे बनाएगी तो हमें बहुत वो होगा फायदा इस सड़क में बनने का, कि रात को जैसे गाड़ी कई बार पंचर हो चुकी है हमारी ना, तो जैसे सड़क बन जाएगी तो हमें बहुत अच्छा फायदा होगा इसमें जैसे। तो वही तमाम ऐसी सड़कों का भी निर्माण त्रिवेंद्र सरकार ने कराया है, जिनका निर्माण लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, लेकिन सीएम के 3.5 साल के कार्यकाल में डोईवाला के विकास को गति देकर क्षेत्र को विकसित बनाया गया है। लगातार बन रही सड़कों से लोग भी शासन प्रशासन का आभार जताते हुए सीएम का भी आभार जता रहे हैं। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के नए डीजीपी अब अशोक कुमार होंगे। आपको बता दें कि आगामी 30 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद डीजीपी का पदभार अशोक कुमार संभालने जा रहे हैं, जिसको लेकर मीडिया से बातचीत में अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करना हमारी प्राथमिकता है, और पुलिस व्यवस्था आम जनता के लिए बनी है, इसे आम जनता के साथ मिलकर ही पुलिस व्यवस्था की जाएगी। राजधानी देहरादून में विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इसके दौरान विभागीय राज्य मंत्री रेखा आर्य समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री रेखा आर्य ने मत्स्य पालक किसानों को बधाई दी और उत्कृष्ट और नई तकनीक से कार्य कर मत्स्य पालक किसानों और महिलाओं को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया। साथ ही मत्स्य किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। वहीं मीडिया से बातचीत में रेखा आर्य ने कहा कि हमारी सरकार ने नई योजनाओं के साथ मत्स्य पालकों को लाभ पहुंचाने का कार्य लगातार किया है, जिससे मत्स्य पालक किसान और भी मजबूत हो सके और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल सके। सर्वप्रथम आज 21 नवंबर को विश्व मत्स्यिकी दिवस पर आप सभी लोगों को और हमारे मत्स्य पालकों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है। आज का दिन मैं समझती हूँ कि इस बात का मंथन का दिन होता है, जिस दिन हमारे मत्स्य पालक अपने द्वारा किए गए कामों का उनको किस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है
और पिछले गत वर्षों में किस प्रकार का क्रियान्वयन हुआ और अब आगे किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को लेकर एक मंथन करना, एक गोष्ठी करना, वही आज हमारे विभाग के माध्यम से जो है एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। खबर सितारगंज से है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे दूसरे दिन भी धरने पर बैठे और इस दौरान धरना स्थल पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री राजीव गुप्ता ने उन्हें अपना समर्थन दिया। इस मौके पर धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने अपर जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो नगर के विकास कार्यों को रोकने की मंशा से तरह तरह की जांच के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। है कि हमारा 5 मांगों को लेकर लगातार जो है धरना जारी है। आज भी धरने का दूसरा दिन है। इसमें जो है कि आज हमारे सभासदों के नेतृत्व में और व्यापार मंडल के महामंत्री जो समर्थन देने हमें पहुंचे हैं राजीव गुप्ता जी, इन लोगों के समर्थन में आज एडीएम कांडपाल जी का यहां पे आपने देखा होगा पुतला भी फूका है। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए खबर 1 बजे सृष्टि शुक्ला के साथ। खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर खराब। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं। तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक